श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। नवरात्र में जो सोमवार आने वाला है, मतलब 3 अक्टूबर 2022, यह दिन सोमवार की अष्टमी का भी है। मतलब नवरात्र सोमवार अष्टमी का बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। जैसा कि सभी को पता है, सोमवार की अष्टमी जो होती है वह शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है, और इस दिन आप जो भी उपाय करते हैं उसका फल आपको लाखों हजारों गुना प्राप्त होता है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सोमवार की अष्टमी के बहुत सारे उपाय बताए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं रोज 2-3 उपाय आपको बताते जाएं, ताकि आप वे उपाय सोमवार की अष्टमी के दिन कर लें। आज हम आपको 2 उपाय बताने वाले हैं। दोनों उपाय काफी अच्छे हैं। पहला उपाय इस प्रकार रहेगा कि अगर आपको त्वचा संबंधित कोई परेशानी है, सफेद दाग, काले दाग या आंखों के नीचे कालापन, मतलब इस प्रकार की समस्या होने पर आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। और दूसरा उपाय, अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानता है, पढ़ाई नहीं करता है और बहुत चिड़चिड़ा प्रवृत्ति का रहता है, तो कौन सा उपाय करना है। दोनों उपाय सिर्फ और सिर्फ सोमवार की अष्टमी को करना है, जो कि 3 अक्टूबर को आने वाली है। तो बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। अगर आपको त्वचा संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है, सफेद दाग, काला, आंखों के नीचे कालापन, इस प्रकार की समस्या, किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आपको यह उपाय करना है। आपको शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना है। आप ध्यान से सुनिए, आपको जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। पर जल अर्पित करने से पहले एक पात्र नीचे रख लीजिएगा। आप एक स्टील का पात्र नीचे रख लें। इसके बाद एक कलश जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करें। धीरे धीरे अर्पित करें। इसके बाद जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं कि हम कहाँ पर जल अर्पित कर रहे हैं, आपको भी जल वहीं पर अर्पित करना है। इसके बाद आपको छोटी सी कटोरी ले लीजिए, उसमें दूध भर लीजिए और माता अशोक सुंदरी के ही स्थान पर आपको दूध अर्पित करना है। दोनों चीज़ अर्पित करिए। माता अशोक सुंदरी का स्मरण कीजिए, भान कीजिए कि माता अशोक सुंदरी सौंदर्य प्रदान करने वाली होती हैं, और उनका पूजन अर्चन करने से आपको त्वचा संबंधी जो भी परेशानियां हैं, इसके संबंधित जो भी परेशानियां हैं, वह दूर होना शुरू हो जाती हैं। अब आपको यह उपाय जो करना है सुबह करना है। सुबह आपने उपाय कर लिया, पात्र में आए, आपने दूध और जल को प्राप्त कर लिया अशोक सुंदरी माता के स्थान पर अर्पित करने के बाद। इसके बाद शाम के समय उसी को आपको नहाने के पात्र में डालकर उससे स्नान कर लेना है। त्वचा संबंधित कोई भी परेशानी हो, वह दूर होना निश्चित है। सिर्फ और सिर्फ सोमवार की अष्टमी को किया जाता है, और नवरात्र की सोमवार अष्टमी बहुत ही अच्छा दिन है, तो इस दिन आप यह उपाय जरूर करें। अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है, बात नहीं मानता है, अपनी ही मन की करता है और ना ही पढ़ाई करता है, चिड़चिड़ी प्रवृत्ति का है, चंचल प्रवृत्ति का भी है, तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। तो उपाय को आप ध्यान से समझ लीजिए। आपको आपके बच्चे के हाथ में लेकर, मतलब अपने बच्चे के आचमनी में, हथेली में थोड़ी सी शक्कर लेकर उसको शिवलिंग पर अर्पित करवा दीजिए, या फिर एक कटोरी में शक्कर ले लीजिए और अपने बच्चे के हाथ से वह शक्कर को शिवलिंग पर अर्पित करवा दीजिए। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित करवाएं। यदि वो नहीं ले पाता है तो आप नाम ले लीजिए। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ सोमवार की अष्टमी को किया जाता है। बच्चे का मन स्थिर होता है और वह आपकी बात भी सुनता है और सभी अच्छे कर्मों की ओर बढ़ जाता है। आशा करता हूँ दोनों उपाय उपयोगी लगे होंगे। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।